नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार और उत्तर प्रदेश के दो जिले अब एक साथ रेलवे से जुड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आरा बलिया नई रेल लाइन की। इस रेल लाइन का मांग दशकों पुराना है, लेकिन अब लगता है कि मांग पूरा हो जाएगा, क्योंकि आरा बलिया नई रेल लाइन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इस रेल लाइन में 6 रेलवे स्टेशन के साथ साथ 2 हॉल्ट बनेंगे। 61 किलोमीटर का लंबा यह रेल लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बलिया और आरा को जोड़ने के लिए। आपको बता दें कि गंगा नदी पर एक ब्रिज भी बनेगा। इस रेल लाइन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आरा के पश्चिम में जगजीवन हाल्ट को जंक्शन में अपग्रेड किया जाएगा। प्रथम सर्वे रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद जो है इस रेल लाइन का अब DPR तैयार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह रेलवे लाइन की बात करें तो आरा जंक्शन से जगजीवन हाल्ट होते हुए मसाड़, धमार, उमरावगंज, धमवल, नैनीजोर, कृपालपुर, सोहेलपुर के रास्ते बलिया पहुँचेंगे। आपको बता दें कि जो पुल बनना है गंगा नदी पर वह नैनीजोर और कृपालपुर रेलवे स्टेशन के बीच बनेगा। इस दोनों रेलवे स्टेशन के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी और जो पुल है वह पहले से प्रस्तावित पुल है। आपको बता दें कि जो वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद हैं उन्होंने जो है रेल मंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस रेलवे प्रोजेक्ट में जो है काम लगाया जाए, चूँकि बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दें कि इस रेल प्रोजेक्ट का DPR अभी तैयार नहीं किया गया है, इसके वजह से यह कहना अब जो है उचित नहीं है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में जो कितना खर्च आएगा। जैसे DPR इसका बनेगा ये पता चल जाएगा कि कितना खर्च आएगा। हालांकि जो रेलवे स्टेशन बनेंगे उसके बारे में बताएगा, 6 रेलवे स्टेशन बनेंगे और 2 हॉल्ट बनेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम किसी और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।